दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नो एंसर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ऑफर्स दिख रहा था एंड फ्लिपकार्ट अमेजोन सेल के कुछ खास तो आए नहीं है, एक दो है जिनके ऊपर वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। एंड एक और डील है रेडमी के 50i के ऊपर जिसे आप 18,500 रुपए तक खरीद सकते हो, जो कि सबसे बेस्ट डील अभी तक के लिए उस पे, मतलब इससे कम प्राइसिंग अभी तक आया नहीं है। और अगर आप देखते हो जो चीजें मिलती हैं उसमें तो 18,500 में आप ले पाते हो, तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट डील्स है। देखना चाहते हो उसकी तरह देख सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, जो कि बहुत कम लोगों के पास होगा। देखिए अगर आपके रिलेटिव्स में फ्रेंड्स में किसी के पास है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज मैं पहले से भी कहते आ रहा हूँ दिवाली सेल का वेट कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। अब क्या ऑफर है इसमें? प्राइस तो 25,000 ही रखी गई है, पहले 26,000 था, 25,000 कर दिया गया प्राइस, मतलब 1,000 कम किया गया ऑफर में। एंड इसके ऊपर कार्ड वाला जो ऑफर है ना, वैसे अलग अलग ऑफर्स है, जैसे 2,250 का ऑफ है, फिर उसके बाद एक 1,000 रुपए का ऑफ है, फिर एक 1,500 का ऑफ है, एक 750 का ऑफ है, ऐसे मिला जुला के। तो अगर EMI पे लेते हो या फिर नॉन EMI पे, दोनों पे सेम ऑफर हो जाते हैं एट द एंड, 4,500 का ऑफ मिल जाता है मिला जुला के तीनों, ठीक है। लेकिन इसमें एक 2,250 वाला ऑफर है और एक जो दूसरा वाला ऑफर है, दोनों के लिए मिनिमम कार्ड वैल्यू 22,000 रुपए होनी चाहिए, मतलब आपको 22,000 स्पेंड करना ही करना है, अदरवाइज उससे कम होगा तो फिर आपको ऑफर नहीं मिलेगा, ठीक है। और नीचे अगर बाहर जाते हो तो एक कूपन भी है 1,000 रुपए का, तो 4,500 रुपए कार्ड का ऑफर और 1,000 कूपन का, 5,500 कट होते हैं, हो जाता है 19,500 रुपए, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट कार्ड से ही लेते हो और कूपन से, तो आपको 19,500 में स्मार्टफोन पड़ जाएगा। अब 18,500 में कैसे पड़ेगा? इसके लिए आपको एक्सचेंज ऑफर अवेल करना पड़ेगा। जैसे अगर आपके पास कोई पुराना फोन है और उस स्मार्टफोन का प्राइस 3,000-4,000 रुपए है, ठीक है, एंड अच्छी बात है 3,000-4,000 रुपए प्राइस है, तो उसमें आपको 4,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, यानी 7,000 रुपए का ऑफर। मतलब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि एक्सचेंज ऑफर कोई ऑफर नहीं होता। अरे भाई रेडमी 7A स्मार्टफोन है मेरे पास, आज से 3 साल पहले मैंने अपने पापा के लिए खरीदा था, ठीक है। अभी के टाइम उसकी प्राइस 2,500 रुपए आ रही है एक्सचेंज पे, एंड इसमें अगर मैं रेडमी 7A यूज कर रहा हूं ना, तो 6,500 रुपए ऑफ हो रहे हैं टोटल, 6,500। वो स्मार्टफोन जिसे आज से मैंने 3 साल पहले 5,000 रुपए में खरीदा था, 5,500 में, उसके लिए मुझे आज 6,500 रुपए मिल रहे हैं, और लिटरली मिल रहे हैं अमेजोन पे। तो ये मत कहिए कि ऑफर नहीं होता है, एक्सचेंज ऑफर कोई ऑफर नहीं होता, होता है। अगर आपके पास एक्सचेंज करने के लिए तो काफी तगड़ा ऑफर है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब एक्सचेंज नहीं करते यार, तो सब तो स्मार्टफोन भी नहीं खरीदते, फिर तो वीडियो बनाना बंद कर दूं मैं। तो ये सब यार, अगर आपके लिए कोई चीज़ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो किसी भी काम की चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग एक्सचेंज करते हैं, जिनको जरूरत है उनके लिए वीडियोज बनाई जाती है। आपको अगर कोई चीज़ की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ बनाई नहीं जाएगी। आई एम सॉरी टू से दिस, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से एक्सचेंज ऑफर पे बहुत सारे लोग कुछ बोल रहे थे, तो मैंने सोचा यहाँ पे बता देता हूँ। तो अगर आप एक्सचेंज करते हो तो 4,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, और उसके बाद अगर सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड लगाते हो तो 1,500 रुपए EMI पे लेते हो तो 1,500 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। तो 4+1,500 5,500, और उसके बाद 1,000 का कूपन, 6,500 रुपए का टोटल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6,500 ऑफ करोगे अगर 25 में, तो 18,500 में आपको मिल जाएगा। तो एक्सचेंज ऑफर वाला लेके अगर आप लेते हो तो आपको रेडमी K50i जो है ये मिल जाएगा सिर्फ 18,500 रुपए में। उससे कम प्राइस होगा, और भी जो भी आपके स्मार्टफोन का प्राइस रहेगा वो भी कम होगा, लेकिन इफेक्टिव प्राइस की बात करें तो ये हो जाता है 18,500। अब उस प्राइस में अगर आप देखो तो 144 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट वाला IPS LCD का पैनल मिलता है। इसके साथ डायमेंसिटी 8100 का चिपसेट है 5G वाला, काफी अच्छे 5G बैंड्स हैं, परफॉर्मेंस तो अल्टीमेट लेवल का है। देन इसके बाद फिर 67W का चार्जर है, 5,000 mAh की बैटरी है, कैमराज हैं 64 MP वाले, तो सब कुछ मिलता है, ऐसा कोई खराब नहीं है, काफी तगड़ा पैकेज है। देखना चाहते हो, मेरे हिसाब से काफी तगड़ी डील है, इसकी तरफ देख सकते हो Redmi K50 है 18,500 में। नहीं तो अगर आपके पास सिर्फ कार्ड है तो 19,500 में भी काफी अच्छी डील है, देख सकते हो। बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा Amazon का डील, एंड मैं कहूंगा कि अगर नहीं है कार्ड तो वेट कर लो दिवाली सेल का, वो ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। बाकी डील्स ऐसे आते रहेंगे तो आपको बताते रहूंगा। चलिए साइड में देखिए वेक्टर इमेजेस के ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों।